हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम कंप्लीट सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये फॉलोइंग फंक्शन जो है वो कवर करेंगे, जिसमें इंसर्शन एट स्टार्ट, इंसर्शन एट एंड, डिलीट एट बिगनिंग, डिलीट एट एंथ, डिलीट एट एंड, सॉर्टिंग और प्रिंट फंक्शन हम कवर करेंगे। अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं। वाइड नोड int n, तो यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अब हम सबसे पहले मेमोरी एलोकेट कर जाएंगे। नोड हम एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेते हैं, न्यू नोड, ये हमने मेमोरी एलोकेट करवा दी है। अब हम डेटा को एक्सेस करेंगे। टेम्प डेटा इज इक्वल टू n टेम्प। अब हम क्योंकि हमने स्टार्ट में करवाना है, ये हम एड्रेस को कर रहे हैं एक्सेस, हम टेम के नेक्स्ट में जो है वो हेड डाल रहे हैं। हेड में जो एड्रेस है वो हम टेम के नेक्स्ट में डाल रहे हैं, जो हम न्यू नोड बना रहे हैं। अब हम यहाँ पे हेड इज इक्वल टू हम टेम कर लेते हैं। अब हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो ये देखें, सबसे पहले ये हेड है, जिसमें ये इसका पहले से ये एक नोड है जिसमें जो इसका एड्रेस इस हेड में पड़ा हुआ है। अगर हम न्यू नोड स्टार्टिंग में इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हमने न्यू नोड टेम्प के नाम से ले लिए है, ये हमने एक न्यू नोड लिया है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इस नेक्स्ट स्टेप में इस लाइन में देखें, टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। अब टेम्प के नेक्स्ट में जो है हेड की वैल्यू डाल दो, जो हेड में वैल्यू पड़ी हुई है, जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो टेम्प के नेक्स्ट में डाल दो। अब कि हेड में अभी क्या पड़ा हुआ है, इसमें जो एड्रेस है इसका जो ये एड्रेस है ना, ये इधर पड़ा हुआ है हेड में इसका एड्रेस। तो अब हम इस लाइन में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये जो टेम्प के नेक्स्ट ये है, टेम्प का नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसमें हेड में जो भी पड़ा है वो डाल दो। तो ये जो भी है इसका एड्रेस अभी इस हेड में मौजूद है, तो ये एड्रेस इसमें जब डाल देंगे तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब जो हेड में इसका एड्रेस पड़ा हुआ था अब इसमें डाल दिया है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमने इसको फर्स्ट नोड बनाने के लिए इसको हेड के साथ कनेक्ट करना है। अगली स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, हेड इज इक्वल टू टेम्प। तो अब हेड में हम क्या करेंगे, टेम्प डाल देंगे। टेम्प ये जो है इसका एड्रेस अब हम किधर डाल रहे हैं, हम इसका एड्रेस ये हेड में डाल दिया, तो ये आप उस एक साथ कनेक्ट हो गए, और इस तरह ये जो है इसका कनेक्शन आपस में से ख़त्म हो गया। अब ये इसका कनेक्शन आप उसमें ख़त्म हो गए, तो ये जो है फर्स्ट नोड बन गया और ये सेकंड नोड बन गए। अब हम प्रिंट फंक्शन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंट फंक्शन, हम अपना प्रिंट फंक्शन लिखते हैं। वाइड नोड प्रिंट, अब हम यहाँ से प्रिंट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक टेम्पररी नोड, टेम्प इज इक्वल टू हेड, हम इसमें हेड स्टोर करवाएंगे। हेड में जो भी पड़ा है, क्योंकि हेड में नल पड़ा हुआ है, तो स्टार्टिंग से हमने एक करवाने शो, तो इसलिए हमने हेड दे दिया टेम्प को। अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड में नल पड़ा हुआ है तो क्या एक मैसेज शो करवाए, सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में कोई नोड नहीं है। और else में हम लिखेंगे else, अगर ये नो लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हम while लूप का इस्तेमाल करेंगे। while temp का is not equal to null, यानी ये लूप तब तक चलता रहे जब तक कि temp पे null नहीं आ जाता, तो तब तक ये क्या करता रहे, see out temp, ये डेटा को जो है प्रिंट करता रहे, temp डेटा slash t हम एक टैब के इक्वल स्पेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और अब ये नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे temp इज इक्वल टू temp नेक्स्ट, यानी ये तब तक ये अगले नोड पर जाता जाए। इस स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ पे जो है वो डेटा प्रिंट होगा। अब ये यहाँ पे टेम्प के
अगले एक नोड प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट नोड पे चल जाता जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये नल नहीं आ जाता टेम में। तो चलिए अब ने आप क्लास ली है जिसमें हमने ये अपना फंक्शन लिखा है इंसर्ट एंथ। इसमें हमने दो पैरामीटर पास किए, एक एन और एक पीओएस। एन किस लिए है? वैल्यू के लिए है, और पीओएस पोजीशन के लिए है। तो चलिए हम अपना लिखना फंक्शन स्टार्ट करते हैं। नोड वाइड, सॉरी वाइड नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंसर्ट एंट। इसमें हम लिख ले लेते हैं एंट एन, ये वैल्यू के लिए है जो हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं। एंट पोजीशन, कि किस पोजीशन पे यूज़र इंसर्ट करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेते हैं। नोड स्टेरिक, स्टेरिक नाम इज इक्वल टू न्यू, साथ ही हम मेमोरी भी एलोकेट करवा देते हैं नोड। अब हम इसके डेटा में डेटा को एक्सेस करेंगे। नाम डेटा इज इक्वल टू, डेटा में हम डेटा पार्ट में हमने एन डाल दिया है, और इसके अब हम एड्रेस को एक्सेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, हमने इसके एड्रेस वाले पार्ट में नल डाल दिया है। अब हम यहाँ दो कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ पोजीशन इज इक्वल टू वन, अगर यूज़र फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता है तो हम लिखेंगे नॉम नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, नाम के जो नेक्स्ट है उसमें हेड आ जाए, और हेड इज इक्वल टू नाम। तो चलिए ये समझते हैं ये कैसे हुआ। तो इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास हेड है और इसके साथ ऑलरेडी अगर एक नोड अटैच है तो हम फर्स्ट पोजीशन पे ये नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, जिसका हमने नाम नाम रखा हुआ है। ये नाम रख लेते हैं इसका नाम, ये हमने नाम रखा हुआ है। तो ये देखें इसमें हम क्या लिख रहे हैं, नम नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, जो नम का नेक्स्ट है उसमें हेड डाल दें। नम का नेक्स्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला। अभी इसमें क्या है, इसमें अभी इसका डेट, इसका एड्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस 1 है तो अभी किस में, हेड में क्या पड़ा हुआ है? 1। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो है इसमें जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो इसमें स्टोर करवा दो। तो ये जो डेटा है ये जो है उस एड्रेस इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये जो है ये नोड इस नोड के साथ अटैच हो जाएगा, और ये आपस में दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ऐड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट में क्या लिख रहे हैं, नेक्स्ट में हम लिख रहे हैं ऐड इज इक्वल टू नम। अब जो नम का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर नम का एड्रेस 11th है, 11th अगर नम का एड्रेस है तो वो इसमें चला जाए हेड में। अब हेड में 11th हो गया तो ये वाला जो नोड है ये ऐड के साथ अटैच हो गया। तो इस तरह हमने ये देखें फर्स्ट नोड ये जो स्टार्ट में हमने इंसर्ट कर दिया है फर्स्ट पोजीशन पे। अब हम अपनी एल्स कंडीशन की तरफ चलते हैं। अगर यूज़र फर्स्ट पे नहीं करना चाहता, किसी और पोजीशन पे करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एल्स। हमें यहाँ पे एक और पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम नोड स्टैरिक PTR एक ले लेते हैं जिसमें हम हेड स्टोर कर लेते हैं। या हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन पोजीशन माइनस 1, यानी उससे एक पोजीशन पीछे जाना चाहिए, पिछली वाली पोजीशन पर ये जाएगा आई प्लस प्लस। अब हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के लिए हम लिख लेते हैं PTR के नेक्स्ट नोड पे जाने, नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए PTR इज इक्वल टू PTR नेक्स्ट। अब हम लूप से बाहर स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे नम नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR नेक्स्ट। PTR का जो नाम का नेक्स्ट है उसमें हम PTR का नेक्स्ट डाल रहे हैं,
और नेक्स्ट में हम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू नम। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम फोर्थ पोजीशन पे इंसर्शन करना चाहते हैं, तो ये देखिए यहाँ फॉर लूप में वन से लेकर पोजीशन माइनस वन यानी ये थर्ड तक जाएगा। अगर फोर पे करना चाहते हैं ये थर्ड पे जाके रुक जाएगा और यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। तो ये हम थर्ड पोजीशन पे पहुँच गया कंट्रोल। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं स्टेटमेंट में कि नम का जो नेक्स्ट है उसमें क्या डाल दो पी टी आर का नेक्स्ट। हमने अभी ये जो न्यू ये वाला नोड, अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर ये हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसका नाम क्या रखा हुआ पी टी आर, और ये जो ऑलरेडी नोड मौजूद हैं पहले से इनका नाम है नाम। तो अब हम क्या कह रहे हैं जो नाम का नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है अभी इसके नेक्स्ट में क्या है इस वाले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है इसके नेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस वन है तो अभी इसमें क्या पड़ा हुआ है वन। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नाम के जो नेक्स्ट है उसमें पी टी आर का नेक्स्ट डाल दो, यानी पी टी आर का जो एड्रेस है वो नाम के नेक्स्ट में डाल दो। पी टी आर का जो एड्रेस है ये वाले इस नोड का जो एड्रेस है वो इसमें डाल दो। अगर इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 11th है तो अब इसमें 11th आ जाएगा, ये आप उसमें दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और ये वाला जो नोड ऑलरेडी कनेक्टेड था ये अब हो जाएगा डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाली में लाइन में क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पी टी आर का नेक्स्ट इज इक्वल टू नम। अब पी टी आर का ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें क्या डाल दो नम, ये वाला जो पार्ट ये वाला जो है नोड है इसको इसके साथ अटैच कर दो, यानी इसका अगर वन है एड्रेस तो इसमें डाल दो। अब इसमें इसका सॉरी ये इसमें डाल दें इस वाले नोड में इसका जो एड्रेस है वो इसमें डाल दो। अगर इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल वन है तो इधर वन आ जाएगा, तो ये जो वाला जो नोड है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये देखें फोर्थ पोजीशन पे इंसर्शन कर ली है नोड इंसर्ट, इसमें हमने एक पैरामीटर दिया है पैरामीटर पास किए। तो अब हम पहले सबसे पहले हम मेमोरी लोकेशन एलोकेट करवा लेते हैं नोड स्टेरिक टेम्प, एक हमने ये टेम्प्ररी पॉइंटर लिया है न्यू नोड। अब हम डेटा को एक्सेस करते हैं टेम्प डेटा इज इक्वल टू एन, अब हम इसके जो एड्रेस है उसमें नल डाल देंगे टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। साथ ही हमें यहाँ ऊपर एक हेडर एक हेड भी चाहिए, हेड पॉइंटर भी चाहिए जिसमें हम फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। हेड इज इक्वल टू हम नल कर देते हैं पहले इसे। अब हम कंडीशन यहाँ लगाएंगे इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो ये तो टेम हेड इज इक्वल टू टेम, जो हेड है वो टेम्प टेम्प में जो हम नोड जो बना रहे हैं वो हेड में आ जाए, यानी वो फर्स्ट नोड बन जाए अगर और कोई नोड नहीं है। तो एल्स में हम कंडीशन लगाएंगे एल्स हम एक न्यू, हमें एक और पॉइंटर की ज़रूरत है, हम पी टी आर के नाम से ले लेते हैं एक पॉइंटर, इसे हम हेड असाइन कर देते हैं। अब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे वाइल पी टी आर नेक्स्ट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये हमने कंडीशन यूज़ की है उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा जब तक के पी टी आर के नेक्स्ट में नल नहीं आएगा। और अब अभी इसे नेक्स्ट करना पड़ेगा तो हम यहाँ लिखेंगे पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर, ये नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नोड पे जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन सॉरी यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे पी टी आर नेक्स्ट इज इक्वल टू नल सॉरी नल नहीं इज इक्वल टू टेम्प, जो हम न्यू नोड डाल रहे हैं वो लास्ट में जब ये लूप पहुंच जाएगा तो इसके जो ये टेम्प पे जो हम ये नया नोड इंसर्ट कर रहे हैं जब ये लास्ट में पहुंच जाएगा तो लास्ट में जाके इसका एड्रेस डाल देंगे तो ये लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें ये एक हमने ले लिया हेड,
ये हम इसे कह सकते हैं ये ऐड है, और इस फर्स्ट कंडीशन में हम देखें यहाँ पे अगर ये एग्जीक्यूट होती है इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो टेम्प इज़ इक्वल टू हेड, ये जो नोड है इसका एड्रेस किस में आ जाए, हेड में, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट नोड बन जाएगा। लेकिन अगर इस ऑलरेडी ये नोड इसके साथ कनेक्टेड है तो फिर एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें क्या होगा, ये जो वाइल लूप चलेगा तो तब तक चलता रहेगा जब तक यहाँ पे नल नहीं आता। कि अगर इसमें फॉर एग्जांपल एक ही नोड है तो इस पर अब यहाँ पे पहुँच गया, पहुँच जाएगा इस नोड पे, तो अब ये नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पीटीआर के नेक्स्ट में यहाँ पे जब पहुँच गया इज़ इक्वल टू टेम, टेम क्या है, हमने जो अब न्यू नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये देखें ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह ये एंड में इंसर्ट होगा। अब हम नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंट एन, ये हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, इसमें हम दो कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल के इक्वल है तो एक हमें मैसेज शो करवाना चाहिए सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट खाली है, इसमें कुछ नहीं है डिलीट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, एल्स में अगर लिस्ट खाली नहीं है तो हम यहाँ पे हमें एक पॉइंटर ले लेते हैं पीटीआर के नाम से, इसमें हम हेड स्टोर करवा देते हैं। अब हम लिख रहे हैं हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हेड के में जिस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है उससे अगले नोड का एड्रेस हेड में डाल दें, और नेक्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लिखेंगे डिलीट पीटीआर, जो पीटीआर है वो डिलीट कर दिया जाए। चलिए समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास एक हेड है जिसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है और ये दो नोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका अभी नो इसका एड्रेस वन है तो अभी किस क्या पड़ा हुआ है, एडमिन वन, ये एड्रेस पड़ा हुआ है। अब हम इस अगर इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो ये मैसेज होगा। एल्स में हम देखते हैं, एल्स में हमने क्या किया हुआ है, पीटीआर एक पॉइंटर लिया हुआ है उसमें हेड का एड्रेस स्टोर कर दिया। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक पॉइंटर है, इसमें हम क्या कर दें, हमने हेड का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, हेड इज़ इक्वल टू हेड नेक्स्ट, यानी हेड में अभी किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका हेड, इससे अगले ये वाले नोड इसका नोड का एड्रेस जो है वो हेड में डाल दिया जाए। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये वाला जो नोड है हेड में अभी इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हेड इससे नेक्स्ट कौन सा नोड है, ये वाला नोड है, इसका एड्रेस जो है वो हेड में डाल दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका मान लेते हैं कि एड्रेस 11 है तो अभी क्या आ जाएगा, इस स्टेटमेंट के बाद इस हेड में आ जाएगा 11th, और ये वाला जो नोड है ये डिसकनेक्ट हो जाएगा आप उस हेड से, और ये वाला नोड हेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हेड के साथ कनेक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे हैं, डिलीट पीटीआर, पीटीआर में क्या है, वो वाला हेड का एड्रेस जो प्रीवियस था वो उस वाले नोड का, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला नोड इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो फर्स्ट नोड था पहले वो डिलीट हो चुका है। तो नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिलीट एंथ इंट पोजिशन, ये एक पैरामीटर है कि हम पोजीशन पास करेंगे, कौन सी पोजीशन से हम डिलीट करना चाहते हैं। अब हम जो है सबसे पहले एक पॉइंटर ले लेते हैं नोड पीटीआर के नाम से, जिसमें हम हेड स्टोर करवा देते हैं। अब हम अपनी सबसे पहले कंडीशन इफ़ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर हेड नल है तो ये प्रिंट करवाए सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी, के लिस्ट एम्प्टी अगर हेड में नल पड़ा हुआ है। अब हमें एक और कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ़ अगर यूज़र जो है वो पोजीशन वन से डिलीशन करना चाहता है, पोजीशन इज़ इक्वल टू वन, अगर यूज़र फर्स्ट नोड डिलीट करना चाहता है तो हम यहाँ लिखेंगे हेड इज़ इक्वल टू
PTR, next, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हेड में जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल रहे हैं, जो हम फर्स्ट हम डिलीट कर रहे हैं तो सेकंड नोड का हम एड्रेस हेड में डाल रहे हैं। तो हम नीचे क्या करेंगे, डिलीट PTR। तो चलिए समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे हम समझते हैं, ये हमारा हेडर है, हेड है, इसमें हम इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है। अब देखें यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इफ़ पोजीशन इज़ वन, अगर फर्स्ट नोड हम डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला नोड हम डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये देखें हमने लिखा है हेड इज़ इक्वल टू PTR नेक्स्ट। PTR में अभी ये वाला जो नोड है PTR, ये वाला नोड है फर्स्ट नोड, इसमें किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इस वाले नोड का एड्रेस इसमें पड़ा हुआ है। तो हम क्या कह रहे हैं कि PTR के जो नेक्स्ट में पड़ा हुआ है इस वाला नोड, ये वाला नोड, इसको हेड में, इसका एड्रेस हेड में डाल दो ताकि ये वाला डिलीट हो जाए। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये वाला नोड जो है, ये वाला नोड इस हेड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और नीचे हम क्या कह रहे हैं, और ये वाला नोड है ऑलरेडी जो कनेक्ट है, ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा साथ से। इसे हम साथ ही लिख रहे हैं PTR डिलीट PTR के साथ ही PTR को डिलीट कर दो जो ऑलरेडी था। तो ये इस तरह ये फर्स्ट नोड डिलीट हो गया। अब हम एल्स कंडीशन की तरफ जाते हैं, अगर फर्स्ट नोड नहीं डिलीट करना चाहता यूज़र, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन पोजीशन माइनस वन, यानी एक पोजीशन, जिस पोजीशन से हम डिलीट करना चाहते हैं जिस नोड से, उससे पिछली पोजीशन तक जाए, और आई प्लस प्लस हम कर देते हैं। अब हम ताकि ये नेक्स्ट करने के लिए हम लिखेंगे PTR इज़ इक्वल टू PTR नेक्स्ट, ये एक पोजीशन पीछे तक जाएगा, जहाँ जिस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं उससे सेकंड लास्ट नोड तक ये जाएगा। तो आगे हमें अब एक और पॉइंटर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिसका हम नाम रख लेते हैं PTR टू के नाम से। हम एक और पॉइंटर ले लेते हैं जिसमें हम क्या स्टोर करवाएंगे, PTR जो ऑलरेडी हमारे पास था उसके नेक्स्ट का एड्रेस, उससे नेक्स्ट जो है नोड का वो एड्रेस हम इसमें स्टोर करवाएंगे। ये हमने एक और पॉइंटर लिया है न्यू, और साथ ही हम क्या लिखते हैं PTR नेक्स्ट, जो PTR के नेक्स्ट में PTR टू का नेक्स्ट डाल दें, और साथ ही हम PTR टू को डिलीट कर देते हैं, डिलीट PTR टू। तो चलिए समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये देखें हमने क्या किया है, यहाँ फॉर लूप यूज़ किया है, तो ये जाएगा पोजीशन माइनस, फॉर एग्जांपल हम थर्ड पोजीशन से डिलीट करना चाहते हैं, थर्ड नोड को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम अगर थर्ड नोड को डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला थर्ड नोड है, इसे फॉर एग्जांपल अगर इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला नोड अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, पोजीशन माइनस वन, यानी सेकंड नोड पे चला जाएगा कंट्रोल। अब हम क्या लिख रहे हैं, नोड इज़ इक्वल टू PTR टू इज़ इक्वल टू PTR नेक्स्ट, यानी ये समझ लें, ये हमने PTR एक और पॉइंटर लिया हुए हैं, अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, PTR नेक्स्ट, ये यहाँ पे ये PTR है, ये वाला जो है वो PTR है, क्योंकि सेकंड पोजीशन तक जाएगा अगर थर्ड नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, इस तक कंट्रोल गया है, तो इसका नेक्स्ट में क्या है, किसका एड्रेस है, इस वाले नोड का जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, इस वाले एड्रेस का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है हम ये इसका एड्रेस जो है वो इसमें करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं PTR टू में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका एड्रेस वन है, तो हम यहाँ पे वन हमने इसमें स्टोर कर दिए। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं PTR नेक्स्ट इज इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट, यानी PTR के जो नेक्स्ट में है, अब ये वाला PTR है, इसके नेक्स्ट में
इसका एड्रेस है ना, इसका एड्रेस है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, PTR2, ये वाला PTR2 जिसमें हमने इसका एड्रेस स्टोर किया, इसके नेक्स्ट का डाल दें। इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ, इस वाले नोड का। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले नोड का, ये जो नोड है इसका एड्रेस हम इस नोड में डाल रहे हैं। इस तरह ये वाला दूसरा जो नोड ऑलरेडी कनेक्टेड था ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये आपस इनसे डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और नीचे ही हम PTR2 डिलीट करना चाहते हैं। PTR2 में क्या था, इस वाले नोड का एड्रेस, तो ये वाला नोड डिलीट हो चुका है। हमने यहाँ से फॉर लूप 0 से स्टार्ट किए जबकि हमें फॉर लूप 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। अब हम देख वाइड नोड इन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिलीट एंड। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंटर ले लेते हैं, हमें 2 पॉइंटर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक PTR के नाम से ले लेते हैं और दूसरा हम प्रीव के नाम से ले लेते हैं। और सबसे पहले हम अब एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हैड इज इक्वल टू नल, अगर हैड नल के इक्वल है तो क्या करें, तो ये मैसेज शो करवाए कि लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट एम्प्टी है। अब दोबारा से हम एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हैड नेक्स्ट इज इक्वल टू, इफ़ हैड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, अगर हैड का नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, यानी ये कब कंडीशन हम यूज़ करेंगे, जब लिस्ट में एक ही नोड हो और वो हम डिलीट करना चाहते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, PTR यहाँ पे सॉरी डबल इक्वल आएगा क्योंकि हम यहाँ पे इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे PTR इज इक्वल टू हेड, जो हेड की वैल्यू है वो PTR में डाल दें, हेड इज इक्वल टू नल और हेड में नल डाल दें और डिलीट PTR कर देते हैं PTR। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक ही नोड है लिस्ट में तो हम उसे डिलीट करना चाहते हैं। ये कंडीशन क्या कह रही है, PTR की हेड के नेक्स्ट में, हेड में हेड के में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो अगर नल है, हेड का नेक्स्ट ये है, तो इसमें ये देखें ये लास्ट में नोड में नल पड़ा हुआ होता है एड्रेस पार्ट में, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हेड की जो वैल्यू है एड्रेस है तो वो PTR में स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये देख लें हम ये PTR, इसमें अभी क्या हेड में जो भी एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर इसका एड्रेस 1 है तो अभी इसमें 1 पड़ा हुआ है, तो ये हम इधर स्टोर करवा रहे हैं एक पॉइंटर में। अब हम हेड में क्या डाल रहे हैं, नल, जब हेड में नल डालेंगे तो हेड में जो भी एड्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा और ये आपस में डिसकनेक्ट हो जाएंगे, ये वाला नोड डिसकनेक्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लाइन में क्या कर रहे हैं कि हम PTR ये वाला जो नोड है ये वाला हम डिलीट कर रहे हैं, तो इस तरह ये वाली कंडीशन काम करेगी। अब हम नेक्स्ट एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं कि एल्स में क्या होगा, अगर एक से ज़्यादा नोड हैं और हम डिलीट करना चाहते हैं लास्ट में से, तो यहाँ पे हम PTR इज इक्वल टू हेड, PTR में हम हेड स्टोर करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे वाइल कंडीशन यूज़ करेंगे वाइल लूप की मदद से, वाइल PTR नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब उस वक्त तक चलता रहे जब तक ये इसकी कंडीशन में नल नहीं आ जाता, आखिरी नोड नहीं आ जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रीव, ये जो हमने पॉइंटर लिया था एक और, इज़ इक्वल टू PTR, ये PTR की जो भी वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर होती रहेगी, और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए हम लिखेंगे PTR इज़ इक्वल टू PTR नेक्स्ट। अब हम लूप से बाहर निकलते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीव इज इक्वल टू सॉरी प्रीव नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, प्रीव का जो नेक्स्ट है उसमें क्या डाल दो, नल, ताकि वो आखिरी नोड बन जाए, क्योंकि आखिरी नोड में के एड्रेस पार्ट में नल होता है, और डिलीट कर देंगे हम PTR को PTR।
तो चलिए समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। अब ये देखें, हम एल्स पार्ट की तरफ आए, हमने यहाँ पीटीआर में एड डाल दिए। अब हम वाइल लूप चलेगा, तो ये देखें, ये कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में जब तक नल नहीं है तब तक ये लूप चलता रहे। तो यहाँ कहाँ तक नल, इसमें लास्ट नोड के इस पार्ट में नल होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे नल होगा, तो ये चलता रहेगा। अब देखें पीटीआर में अभी क्या है, हेड की वैल्यू, तो अभी प्रीव में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू, ये जो हेड में है इसके वाले एड्रेस की, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए, फॉर एग्जांपल इस पे इस पे इस पे, जब इस पे जाएगा तो ये देखें इस पे चला जाएगा, फिर इस पे लास्ट पे, जब इस लास्ट पे ये लूप आएगा तो यहाँ पे पीटीआर के नेक्स्ट में, इसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और ये वाली दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अभी क्या प्रीव में पड़ा हुआ है, इस वाले नोड की वैल्यू, अगर इस पे वाले का एड्रेस फॉर एग्जांपल 1 है, तो अभी किस में प्रीव में क्या पड़ा हुआ है, 1, क्योंकि लास्ट नो, ये देखो कंडीशन फॉल्स हो गई और ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, तो अभी इसका एड्रेस जो है वो इसमें पड़ा हुआ है प्रीव में, प्रीव पॉइंटर में, इस वाले नोड का। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये लूप से बाहर निकल जाएगा कंट्रोल, तो अब हम कर रहे हैं प्रीव के नेक्स्ट में, प्रीव अब क्या है, ये वाला नोड, तो इसके नेक्स्ट में क्या डाल रहे हैं, नल, नल इसमें नल डाल दे, तो ये वाला जो नेक्स्ट है, ये वाला जो नोड है, ये लास्ट वाला, ये इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें इसमें आ गया है प्रीव में कि नल में, नेक्स्ट में नल आ गए, और अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीट पीटीआर, पीटीआर ये कौन सा था, ये वाला लास्ट नोड, तो ये वाला हम डिलीट कर दिया है हमने। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग इन सिंगली लिंक लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने एक क्लास ली है जिसमें हमने तीन फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, इंसर्ट एंड, सॉर्टिंग और प्रिंट फंक्शन। इंसर्ट एंड एंड प्रिंट फंक्शन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं आते तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या होता है पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉर्टिंग में हम करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर। तो चलिए अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वाइड वाइड नोड सॉर्टिंग अब हम से यहाँ पे ले लेते हैं दो पॉइंटर, स्टैरिक ए, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से हम ले लेते हैं, ए और बी के नाम से हमने दो पॉइंटर ले लिए। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पीटीआर के नाम से, हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड में नल पड़ा हुआ है तो हमें मैसेज शो करवाए, हमें मैसेज शो होना चाहिए सी आउट लिस्ट इज एम्प्टी, कि लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अगर एल्स, अब हम एल्स कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या कह रहे एल्स, अब हम यहाँ पे फॉर लूप चूज करेंगे, फॉर ए इज इक्वल टू ऐड कर देंगे, अब हम लिखेंगे ए नेक्स्ट, ये हम कंडीशन लगाएंगे, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि ए के नेक्स्ट में नल ना आ जाए तब तक ये चलता रहे, यानी आखिरी नोड तक चलता रहे। अब हम इसे इंक्रीमेंट करने के लिए लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी इंक्रीमेंट, एक एक इंक्रीमेंट करता रहे। अब हम एक दूसरा लूप यूज़ करेंगे, फॉर लूप, एक और फॉर लूप यूज़ करेंगे, एफ ओ फॉर, इसमें हम बी लिखेंगे, बी इज इक्वल टू, हमने ये दूसरा पॉइंट लिया था, बी इज इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी जो ए के नेक्स्ट में जो डेटा पड़ा हुआ है वो बी में आ जाए, जो एड्रेस पड़ा हुआ है सॉरी वो बी में आ जाए। और अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे बी इज़ नॉट इक्वल टू नल, उस वक्त तक ये भी लूप चलता रहे जब तक कि बी में नल नहीं आ जाता, यानी लास्ट नोड तक। अब हम इसे इंक्रीमेंट करने के लिए लिखेंगे बी इज इक्वल टू बी नेक्स्ट,
अब हम इस फॉर लूप की बॉडी में हम एक कंडीशन इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ ए डेटा, जो ए का डेटा है अगर वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन जे का डेटा, सॉरी बी का डेटा के, बी में जो डेटा पड़ा हुआ है उससे अगर ए का डेटा ग्रेटर देन है तो क्या करें, तो यहाँ पे वो लिखे ptr, जो हमने ऊपर ये वेरिएबल लिया है ptr इज इक्वल टू ए डेटा, जो ए का डेटा है वो ptr में स्टोर करवा देते हैं, और नीचे हम लिखेंगे ए नेक्स्ट ए डेटा इज इक्वल टू बी डेटा, जो बी का डेटा है वो हम ए में कॉपी कर रहे हैं, जो ए की जगह हम अब बी का डेटा ला रहे हैं। अब बी डेटा इज इक्वल टू पी टी आर, अब जो पी टी आर में डेटा पड़ा हुआ था ए का वो हम बी में डाल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम लिखा है। अब देखें यहाँ पे हमने लिए हैं दो पॉइंटर और एक ये वेरिएबल लिए। अब पहली कंडीशन हमने लिखाई है अगर हेड में नल है तो एम्प्टी शो कर देगा। अब अपने एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। हमने लिया है फॉर ए इज इक्वल टू हेड, ए इज जो ए हम समझ लेते हैं, ये वाला समझ लेते हैं, ये ए है हमारा, अगर ये ए है ये फर्स्ट नोड है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं हम कि ए नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका जो नेक्स्ट है उस वो नल नहीं है, क्योंकि जहाँ तक जब पहुँचेगा लास्ट में तब नल आएगा, ये कंडीशन ठीक हो गई। अब हम नेक्स्ट लूप पे चलते हैं, बी इज इक्वल टू ए नेक्स्ट, यानी अगर बी वाला जो कौन सा है अभी बी ये वाला कह रहे हैं नेक्स्ट ए के जो नेक्स्ट में है, ए ये है तो ए के नेक्स्ट में किसका एड्रेस पड़ा हुआ, ये वाले का, तो ये हमारा बी हो गया। अब बी इज़ नॉट इक्वल टू नल, बी नॉट नल के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम नीचे चले जाते हैं इफ़ कंडीशन की तरफ। अब इफ़ में हमने क्या लिखा हुआ है, ए डेटा इज़ ग्रेटर देन बी, फॉर एग्जांपल अगर ए में 7 पड़ा हुआ है और बी में 1 पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो नीचे आ जाएगा पी टी आर इज़ इक्वल टू ए डेटा, यानी ये अगर पी टी आर है इसमें ए डेटा, ए में अभी क्या पड़ा हुआ है 7, तो ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब ए डेटा इज इक्वल टू बी डेटा, जो बी का डेटा था ये वाला, ये इस हम इसमें कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें अब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 7 की जगह इस नोड में क्या आ जाएगा 1, और 7 जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें कॉपी कर रहे हैं ये वाला, ये पहले वाला ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रहे हैं, बी डेटा इज इक्वल टू पी टी आर, पी टी आर में क्या था 7, वो बी में डाल दो, बी क्या है ये वाला यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे आ गया 7, ये इस तरह हो जाएगा। फिर ये लूप, ये कंडीशन, यहाँ से लूप ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट होगा, यानी अब ये बी कौन सा हो गया, अब बी ये हो गया ये वाला, और ये वाला क्या हो गया, अब इस ये वाले तो चेक हो गया नोड, अब ये वाला ए बन गया है, क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो गया तो आगे शिफ्ट हो गया, तो ये अब ए बन गया हमारा, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया एक। अब कंडीशन दोबारा चेक होगी, क्या बी नल के इक्वल, ये दोबारा से चलेगा लूप, और अब ये कंडीशन चेक होगी, इफ़ ए डेटा इज़ ग्रेटर देन बी, ए में क्या डेटा पड़ा हुआ है 7, वो ग्रेटर देन बी है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट नीचे आ जाएगा पी टी आर इज इक्वल टू ए डेटा, ए में जो डेटा है वो पी टी आर में स्टोर हो जाएगा, ए में क्या डेटा पड़ा हुआ है 7, तो ये 7 कहाँ स्टोर हो जाएगा, पी यानी पी टी आर में सेव हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए का जो डेटा है उसमें क्या स्टोर करवा रहे हैं, बी का डेटा कॉपी कर रहे हैं, यानी ये 3 इस जगह आ जाए, अब ये यहाँ पे ये 3 आ जाएगा इस जगह, इस वाले नोड में, अब ये 3 इस वाले नोड में आ जाएगा,
और नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, बी डेटा इज इक्वल टू पी टी आर, पी टी आर में क्या था सेवन, तो सेवन किधर चल जाएगा बी में, तो बी में ये चला जाएगा सेवन, यहाँ से थ्री ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सेवन। अब जब दोबारा लूप कंडीशन चेक करेगी बी के नेक्स्ट में नल आ जाएगा, ये जो है यहाँ से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा और इस तरह इस लूप में से भी कंट्रोल बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह हमारा ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर हो जाएगा डेटा। असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन लगाई थी लेस देन ग्रेटर देन की लगाई थी, इसे हम कन्वर्ट लेस देन में कर देंगे, सिंपली यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन डाल देंगे। अब दोबारा हम मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। इस मेन फंक्शन में हमने डू वाइल लूप की मदद से एक स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया है जिसमें हम ये सारे फंक्शन को कॉल किए वन बाय वन, यानी हमने नंबरिंग दी है कि कौन सा नंबर एंटर करेंगे कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह ये हमने फर्स्ट केस में इंसर्शन एट स्टार्ट का लिया है, इसमें हमने सिंपल एक फॉर लूप लिया है और हमने ये नीचे कॉल किया है कि कितना साइज़ है, जितने हम इंसर्ट करना चाहते हैं उतना हम साइज़ देंगे। और इसी तरह जितने भी ये फंक्शन है इनमें सिंपल हमने कॉल किया और ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी है ताकि हम डिफरेंस कर सकें इनमें, ये हमने वन बाय वन सब लिखे हैं। लास्ट में हमने डिफ़ॉल्ट किया है कि अगर कोई भी इनमें से नंबरिंग नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड इनपुट है। इस तरह ये स्विच स्टेटमेंट लगा के हमने रिटर्न ज़ीरो करके ये अपना मेन फंक्शन सेव कर देते हैं सिंगली के नाम से। हमने सिंगली के नाम से ये सेव कर दिया है, तो ये देखें ये तमाम फंक्शन आ गए, ये जितने भी हमने किए इंसर्शन एट स्टार्ट, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट एंड। तो हम अब सबसे पहले इंसर्शन एट स्टार्ट करके देख लेते हैं, हम जब वन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये लिखा हुआ आ गया है कि इंसर्शन साइज़ इंटर करें कि साइज़ कितने साइज़ का हम बनाना चाहते हैं, तो हम फाइव इंटर कर देते हैं, तो हम फाइव अब वैल्यूज़ इंटर करेंगे वन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो ये हमने कर दिए फाइव वैल्यू। हम अब जो जो है प्रिंट फंक्शन की मदद से हम इसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं, हम टेन इंटर करते हैं तो ये देखें ये हमने वैल्यूज़ जो इंटर की थी ये हो गई हैं, प्रिंट भी हो गई हैं। इसी तरह हम अपना फंक्शन देख लेते हैं, कोई और फंक्शन देख लेते हैं, हम कौन सा फंक्शन लेते हैं, हम डिलीट एट एंड या देख लेते हैं डिलीट एट एंड कि एंड से डिलीट करें, तो सिक्स हम इंटर करेंगे, तो अब हम प्रिंट भी करवा लेते हैं कि क्या आता है हमारा फंक्शन, तो ये देखें ये ट्वेल्व ट्वेल्व आया है, एलेवंथ डिलीट हो चुका है जबकि ये पहले एलेवंथ था, अब देखें ये ट्वेल्व ही रहा है, एक लास्ट से डिलीट भी हो चुका है। अब हम सॉर्टिंग भी कर लेते हैं एट पे, एट फंक्शन, अब हम टेन इंटर करेंगे और प्रिंट भी करवाएंगे, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये ऑलरेडी भी था और देखें ये पहले इस तरह था ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है, ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। इसी तरह ये सारे फंक्शन हम वन बाय वन इंटर करेंगे उसका नंबर और वो ऐसे ही वर्क करता रहेगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।